तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि स्कूल वगैरह, जैसे तुम कभी स्कूल लाइफ मिस करते हो या कोचिंग वगैरह में भी स्कूल लाइफ वाला फीलिंग आ जाता है तुम्हारे? सर कोचिंग में बढ़िया, मैं तो इसको बोली भी नहीं कभी, और ये बोलती भी थी ना मैं इसको, तो बोलती थी मेडिकल में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, उसमें से रेजोनेंस आपने कैसे चूज किया? मतलब ये हम यहाँ कोटा में आए थे 3 साल पहले, तो हमको रेजोनेंस के हिसाब से आए थे। अच्छा। तो ये कि यही रेजोनेंस फोकस्ड नहीं हो पा रहा है, तो काउंसलर्स उसको प्रॉपरली, कई बार पेरेंट्स को भी गाइड करने की जरूरत होती है तो काउंसलर्स होती हैं। गर्ल्स केयर सेल का भी हम लोगों का डेस्क रहता है जिसमें हम। सो हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है मृत्युंजय और अभी हमें रेजोनेंस कोटा में, और आज हो रहा है पेरेंट टीचर स्टूडेंट मीटिंग। तो अक्सर ये सब स्कूल में ही देखने को मिलता था कि पेरेंट टीचर मीटिंग होता, तो हम लोग कितना ज्यादा डर जाते थे। तो अभी कोचिंग में भी हो रहा है पेरेंट टीचर स्टूडेंट मीटिंग, और जो पेरेंट्स होते हैं काफी दूर दूर रहते हैं, तो कई बार होता है ना कि बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैकआउट नहीं कर पाते हैं। तो अभी रेजोनेंस में ये उनकी एक पहल है जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स का जो भी परफॉर्मेंस रहता है उसको वो एनालाइज कर पाते हैं, और टीचर्स से उनके बच्चे के लिए फीडबैक भी ले पाते हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट है, बच्चों से मिलते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, इवन जो चीफ कोऑर्डिनेटर्स जो इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनसे भी मिलते हैं, और भी क्या क्या फीचर्स हैं वो सब कुछ देखते हैं ब्लॉग में। तो बने रहे और चलते हैं अभी जहाँ पे पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो रहा है। तो चलिए, तो गाइज अभी हम रूम में आ गए जहाँ पे पेरेंट टीचर स्टूडेंट मीटिंग हो रहा है, और ये बीकेएम सर रहे तो फिजिक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, और आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में इस साइड में जो लेफ्ट मोस्ट दिख रहा है वो पूरा फिजिक्स के बच्चे हैं, और अदर अदर सब्जेक्ट के टीचर्स अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं। जहाँ पे यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैथ्स का डिपार्टमेंट है, तो हर जगह पे यहाँ पे केजे सर आप देख सकते हैं, डेप्यूटी HOD, तो हर पेरेंट्स जो हैं वो टीचर से मिल रहे हैं और बच्चों की जो खामियाँ हैं उसको बताया जा रहा है। यहाँ पे ARS सर है मैथ्स डिपार्टमेंट, तो हर कोई अपना, ये MKW सर हुए यहाँ पे भी, फिजिक्स डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, हर जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने थे जहाँ पे आ रहे थे बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स उनको समाधान दे रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, उनकी जो भी कमियाँ थी उसके बारे में वो उसको गाइड कर रहे थे। एक होता है क्वेश्चन किया, फटाफट कुछ ना कुछ तो करना है, सोच तो रहा है ना, गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है, कोई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10-15 सब आंसर गलत, तुम्हें सही तो एक ही है, मौके तो गलत है, तुम भी आंसर बनती है, जो भी आपने निकाला है कम से कम गलत करने का एक रास्ता बनता रहता है, क्या ये तरीका लगाया तो गलत हुआ था, बहुत प्रोसेस जरूर लेके आते आंसर दिया। आज अभ्यास करें बेहतर कल के लिए, हमारा अभ्यासन प्रोग्राम बच्चों को होमवर्क करने के लिए प्रेरित करता है, ये टोटली डिजिटल प्रोग्राम है जिसमें बच्चों का पूरा डाटा, पूरे क्वेश्चन हम डिजिटली बच्चों को बताते हैं, बच्चे ने कितना परसेंट किया, कितने क्वेश्चन किए। तो गाइस पेरेंट टीचर मीटिंग है और इसमें एक प्यारा सा छोटा सा स्टूडेंट आया, तो इसे जानते हैं। तो अभी कौन सी क्लास में हो? 7th। नाम क्या है तुम्हारा? प्रवेश। प्रवेश, तो PCCP में यहाँ के हो? यस सर। तो कैसा एक्सपीरियंस अब तक का रहा है? सर बहुत अच्छा रहा है। तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि स्कूल वगैरह, जैसे तुम कभी स्कूल लाइफ मिस करते हो या कोचिंग वगैरह में भी स्कूल लाइफ वाला फीलिंग आ जाता है तुम्हारे? सर कोचिंग में बढ़िया लगता है। है ना, JEE के लिए तैयारी कर रहे हो? यस सर। कौन सा IIT जाना है तुम्हें? IIT मद्रास। अच्छा, IIT मद्रास जाना है, तो सब कुछ यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का रेजोनेंस का? सर रेजोनेंस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। स्टडी मटेरियल वगैरह पूरा सॉल्व करते हो, होमवर्क बनाते हो? यस सर। फेवरेट टीचर कौन से है तुम्हारे? महिमा मैम। अच्छा महिमा मैम, हिंदी या संस्कृत कौन सा पढ़ाती हो? संस्कृत। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, तो अभी हमें रेजोनेंस कोटा में और आज पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, तो इनसे जानते हैं कि अब तक का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, और अभी इनके पेरेंट्स भी हैं तो इनसे भी जानते हैं कि रेजोनेंस में जो एडमिशन अपने बच्चे का करवाए हैं तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस अब तक इनका रहा है। तो मैम आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम अनमोल अग्रवाल है, मैं 12th क्लास में हूँ, JASP बैच में पढ़ती हूँ। तो आपको कौन कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं? मुझे KG सर, BKM सर, SSS सर और SPR सर पढ़ाते हैं। अच्छा, तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फेवरेट टीचर आपकी? मेरे को तो सभी पसंद है। सभी पसंद है। अभी आपका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा, मतलब टीचर को अगर सेटिस्फेक्शन लेवल पे आपको जज करना हो 1 to 10 में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आप तक का? टीचर को जज करना तो 10 में सारे 10 हैं, डिस्कशंस वगैरह प्रॉपर होता है, और जो मतलब थ्योरी वगैरह, मतलब आपको JEE वगैरह कितने मतलब मार्क्स वगैरह आते हैं आपके, लगभग मतलब सेटिस्फैक्ट्री है? हाँ। तो आपका ही बैच है तो डेफिनेटली अच्छा में ही आता होगा।
तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, उसमें से रेजोनेंस आपने कैसे चूज किया? मतलब ये हम यहाँ कोटा में आए थे 3 साल पहले, तो हमको रेजोनेंस के हिसाब से आए थे। अच्छा। तो ये कि यही रेजोनेंस ही अभी इन्होंने 11th और 12th किया होगा यहाँ? हाँ, से हाँ। अच्छा, तो अभी आप सेटिस्फाइड हैं इनके मार्क्स से? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्योंकि ये होता है ना कि गर्ल्स लोग होती है तो वो ज्यादातर मेडिकल की तरफ जाती है, तो आपके माइंड में थॉट कैसे आया इंजीनियरिंग का? इंजीनियरिंग का तो बच्चों के अपने आप ही मन में आया, मेरे मन में नहीं आया। क्योंकि अब थोड़ा सा अच्छा हो गया है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी काफी ज्यादा मतलब गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि मैंने भी सीएससी किया है तो मुझे पता है, तो काफी ज्यादा स्कोप है। तो मेडिकल का कभी आया था थॉट प्रोसेस या बच्चे को जो था? कभी कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तो इसको बोली भी नहीं कभी, और ये बोलती भी थी ना, मैं इसको तो बोलती थी मेडिकल में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कभी भी ऐसा लगा, क्योंकि अभी मैम काफी ज्यादा र्यूमर्स और काफी ज्यादा हेट स्प्रेड किए जा रहे हैं कोटा को, तो आप लोगों के जो और भी देख रहे पेरेंट्स उनको बोलना चाहोगे, मतलब आपको कभी लगा कि ये डिमोटिवेटेड या कुछ इस प्रकार का कोटा के चलते कुछ हो रहा हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। क्योंकि मुझे लगता है मैम कि जब हमें कुछ बड़ा गोल अचीव करना पड़ता है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, और कोटा में मैम इन्वायरमेंट अलग है ना, घर पे ही पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बट कोटा में आने के बाद हमें जो इन्वायरमेंट मिलता है वो कहीं ना कहीं अलग करता है। हाँ, ये बात तो है ना। हाँ। जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है या जो कोटा के बारे में आजकल कहा जा रहा है, इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन है पेरेंट्स का अपने बच्चों से और बच्चों का अपने पेरेंट्स से, कम्युनिकेशन गैप है, इस वजह से इस तरह की चीजें हो रही है कोटा में। बाकी अगर आईआईटी और मेडिकल के लिए कोटा मेरे हिसाब से तो बेस्ट जगह है तैयारी के लिए, बिल्कुल पेरेंट्स को अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और उस पर उतना ही फोर्स डाले जितना उसका कैलेबर है, आप ज़्यादा उसको फोर्स न डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर और मैम आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी क्या हुआ था, जैसे सुसाइड वगैरह के केसेस काफ़ी हो रहे थे, तो टेस्ट वगैरह को मैम क्लोज कर दिया गया था, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है बच्चों के लिए क्या सही रहना चाहिए? नहीं, टेस्ट तो होने चाहिए, है ना मैम? क्योंकि मेरा भी यही थॉट प्रोसेस है, अगर आज मान लेते अपन टेस्ट नहीं भी लेते हैं तो कल तो जेई मेन होगा ना, जे एडवांस होगा, अपन भाग नहीं सकते रियलिटी से ज्यादा देर तक। हाँ, ये बात। हाँ, तो और कुछ मैसेज आप देना चाहोगे जो बाकी पेरेंट्स हैं जो सोच विचार कर रहे हैं कि घर से ही पढ़ाएं या हम कोटा भेजें, या कोचिंग में भी कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आप सर देना चाहोगे? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोटा में, और बिल्कुल ऑफलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन ऑनलाइन है, ठीक है ना। ऑफलाइन से आप बिल्कुल टच के टीचर के डायरेक्ट टच में रहते हैं और वो आपको बिल्कुल मोटिवेट करता है, और वो कभी भी आप पे फोर्स नहीं डालता है, कि वो उसको टीचर को पता होता है कि आपके बच्चे में कितना कैलेबर है, वो उसी हिसाब से उसको मोटिवेट करता है, तो अन्यथा बिल्कुल ना लें, और बिल्कुल स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से टीचर से संपर्क में रहें, वो बिल्कुल आपको तरीके से गाइड करेंगे, और मेरे हिसाब से कोटा बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइज अभी हमें रेजोनेंस में, और आज पेरेंट टीचर स्टूडेंट मीटिंग है, तो ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो इनसे जानते हैं कि इसका जो उद्देश्य है बेसिकली, व्हाई दिस इज हैपनिंग, और किस प्रकार से ऑपरेट हो रहा है, और इसका क्या फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। गुड इवनिंग, माय सेल्फ उपेंद्र सिंह नाथव, मैं इस इवेंट का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, और PTSM जो है ये पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, जो उनके क्लासेस के अंदर जिस तरह से अभी तक स्टूडेंट्स और फैकल्टीज का ही इंट्रैक्शन होता है, लेकिन साथ में हमने इस इवेंट के अंदर पेरेंट्स को भी इंट्रैक्ट किया है, जैसे वो छोटी क्लासेस में सेशन रखे जाते हैं, सेम इसी तरह से कोटा के अंदर भी हम रेजोनेंस के अंदर इस तरह की इवेंट प्लान कर रहे हैं, जो क्वार्टरली और कभी मंथली भी हम प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर फैकल्टीज स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को लेके, उसके मोटिवेशंस को, और उसकी जो पढ़ने का जो मैथोलॉजी है, उसके साथ अपने आप को गाइडेंस गाइड करते हैं कि किस तरह से उसको अपने परफॉर्मेंस में एनहांस करें और टारगेट को किस तरह से अचीव किया जा सकता है। थैंक यू। मैम से भी जानते हैं कि मैम इसका उद्देश्य क्या था, इसको स्टार्ट करने के पीछे, और किस तरीके से ये बच्चों को प्रॉफिटेबल हो रहा है। देखिए, इसमें क्या है कि बच्चे तो हमारे साथ में हैं, पर पेरेंट्स जो हैं उनको बहुत बार बच्चों की परफॉर्मेंस का पता नहीं चल पाता है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि किस तरीके से ऑनलाइन चेक करना है ना, तो वो पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के साथ साथ में फैकल्टी से मिलें, जो भी फैकल्टी उनको पढ़ा रही है,
तो इस बहाने ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर, ठीक है। इसके साथ साथ में हम इसमें एडमिन स्टाफ को भी इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हम उनको अगर कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो वो वाली चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हम इसमें अपॉइंट करते हैं, ताकि अगर बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, फोकस्ड नहीं हो पा रहा है, तो काउंसलर्स उसको प्रॉपरली, कई बार पेरेंट्स को भी गाइड करने की ज़रूरत होती है तो काउंसलर्स होती हैं। गर्ल्स केयर सेल का भी हम लोगों का डेस्क रहता है, जिसमें हम गर्ल्स को स्पेशली फोकस्ड करते हुए काउंसलिंग करते हैं। इसके साथ साथ में दो डेस्क और, जैसे होमवर्क वाला, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे अभ्यासम, हम लोगों का एक प्रोग्राम है रेजोनेंस का, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे होमवर्क देते हैं और होमवर्क की मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो वो वाला हम लोगों का एक डेस्क रहता है, ताकि पेरेंट बच्चे का चेक कर सके कि बच्चे ने कितना होमवर्क किया, बच्चा रेगुलर बेसिस पे होमवर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसके साथ साथ में बोर्ड सपोर्ट के लिए भी हम लोग एक डेस्क लगाते हैं, और इसके साथ में एक करियर ऑप्शंस के लिए, कि ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, ताकि बच्चा वहाँ पे डाइवर्ट हो सके, बच्चे के पास में और भी ऑप्शंस रहें, और ताकि बच्चा मतलब उस स्ट्रेस और उस प्रेशर को फील ना करे। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और कोटा कोचिंग से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियोज़ देखना है तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।